अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आप में से कुछ लोगों ने योगा से मुतालिक सवालात भेजे हैं, तो उनको मैं एड्रेस कर लेता हूँ। काफ़ी दिनों से आ रहे हैं। पहले तो ये समझें कि ये योगा है क्या। ये योगा जो है ये हिंदू तालीमात के मुताबिक एक ऐसी मश्क है जिसमें इंसान को अपने जिस्म पर, अपने जहन पर काबू यानी कंट्रोल करना सिखाया जाता है। और इसके पीछे ये अकीदा कार फरमा है कि आप एक आफाक जो है होराइज़न में का हिस्सा बनने जाते हैं और आप इस पज़ल का एक पीस बन के तकमील को छूते हैं। इस तरह के मुख्तलिफ इसमें कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में योगा की जो तारीफ़ बयान की गई है वो कुछ इस तरह है कि योगा एक जिस्मानी वर्जिश का तरीक़ा है जिसमें कोई भी शख्स अपने जिस्म और अपने सांस को प्रैक्टिस करके मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है एक मुकाम हासिल करता है। योगा के बारे में एक नज़रिया ये भी है कि योगा हिंदू मज़हब की इबादत और रसूमात का नाम है, जबकि योगा के बारे में एक नज़रिया ये भी है कि योगा किसी मज़हब की इबादत या रसूमात नहीं, बल्कि योगा एक जिस्मानी वर्जिश का तरीक़ा है जिसके ज़रिए इंसान अपने जिस्म और सांस पर काबू पा लेने और अपने अंदर जहनी और जिस्मानी निशात महसूस करने की सलाहियत हासिल करता है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी योगा की कई डेफिनेशंस हमारे सामने आते हैं। अच्छा, योगा से मुतालिक जो किताबें हमारे सामने मौजूद हैं इनके मुताबिक इसकी तकरीबन कमोबेश 185 वर्जिशों की तरकीबें हैं। मसलन योगा सीखने वाले को बताया जाता है कि वो आहिस्ता से सांस लेते हुए ये तसव्वुर करे कि वो पेट को फैलाकर पहले फेफड़ों का निचला हिस्सा भर रहा है। मुख्तलिफ तफसीलात हैं। इसी तरह योगा करने वाले शख्स को योगी कहा जाता है और इस पर मुतअद्दिद शरई मफासिद पाए जाते हैं। लिहाजा अगर वाक़ियतन योगा से मुतअल्लिक जदीद मालूमात दुरुस्त हों तो योगा में जहाँ सेहत पर काम होता है, सांस पर काम होता है, तो अगर अकायद भी उसमें शामिल कर लिए जाएं तो फिर ये अकीदे की ख़राबी का सबब भी बनता है। अच्छा देखिए, माहिर अतिब्बा जो है वो योगा के बारे में इस बात की तस्दीक करते हैं कि योगा इंसानी अमराज के इलाज के लिए या इंसानी जिस्म को तंदुरुस्त रखने के लिए मुफीद है। तो इंसान अगर कोई शख्स अपने जिस्म को तंदुरुस्त रखने के लिए या किसी को अगर डॉक्टर ये सलाह दे कि आपकी सेहत योगा से बेहतर हो सकती है तो इलाज के तौर पर अगर कर रहा है तो उसकी गुंजाइश है, सेहतमंद रहने के लिए कर रहा है तो गुंजाइश है। हिंदुओं के योगियों या गैर मुस्लिमों से योगा वर्जिशें सीखने में एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि वो बाज़े दफ़ा ऐसी चीज़ें आपको कहने को कहते हैं जो आपके अकीदे के बिगाड़ में सबब बन सकती हैं। जैसा वो आपसे कहते हैं ओम कहो और इस तरह के और मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं, फिर मुख्तलिफ उल्टी सीधी मूर्तियों की तस्वीरें होती हैं, उनके सामने आपको मुख्तलिफ पोजिशंस में लेके आया जाता है, तो इससे एक बिगाड़ का अंदेशा भी और देखने वाले को इबादत सा भी मालूम होता है। तो योगा वर्जिश सीखने के लिए किसी भी गैर मज़हब की इबादत गाहों में ना जाया जाए, इसका भी ख्याल रखें। बाद दफ़ा के मंदिरों वगैरह में भी इसकी क्लासेस वगैरह होती हैं या मुख्तलिफ ऐसी मजहबी जगहों पे, तो यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। फिर ये भी अवॉइड करना चाहिए कि औरतें और मर्द मखलूत ना हों। इसी तरह योगा वर्जिश करने वाले के जहन में कोई शिरकी अकीदा ना हो, ये भी ज़रूरी है। योगा वर्जिश के वक्त योगियों के मखसूस लाल रंग के लिबास पहनने की भी कोई शर्त ना हो, ये भी कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। योगा वर्जिश सूरज के तुलू होते वक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदुओं की इबादत योगा का वक्त है। इस वक्त में योगा वर्जिश करने से हिंदुओं की इबादत के साथ मुशाहिबत लाजिम आ जाती है। इसीलिए वर्जिश के दौरान आपका सतर ढका होना चाहिए, उसका अहतमाम हो। बाज़ दफ़ा मैंने देखा है हमारे मुसलमान मर्द ऐसे उरिया कस्म के लिबास पहनकर योगा करते हैं कि अस्तग़फिरुल्लाह, यानी टखने भी नज़र आ रहे हैं, और बाज़ दफ़ा तो सिर्फ शॉर्ट्स ही पहने होते हैं, नाफ भी नुमाया होती है, टखने भी, यानी सतर नहीं ढका होता, तो इसका एहतियात करना चाहिए। इसी तरह योगा वर्जिश करने से पहले या वर्जिश के दौरान या वर्जिश के अख्तिताम पर बाज़ दफ़ा ऐसे इश्लोक पढ़े जाते हैं जो गैर इस्लामी होते हैं, जो शिरकिया होते हैं, इनसे बचना चाहिए। इसी तरह वर्जिश के दौरान किसी भी हिंदुओं के तरीक़े की नक्काली नहीं करनी चाहिए। मसलन वर्जिश के दौरान दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम और नमस्ते करना, इस ये नहीं करना चाहिए। योगियों की तरह फासिद अकीदा रखकर आंखें बंद करके मुराकबे करना। इसी तरह जो वर्जिश की जाए वो जिस्मानी लिहाज से मुज़र भी ना हो,
जैसा मिसाल के तौर पे इनके यहाँ एक वर्जिश होती है कि ये सूरज को टिकटिकी बांध कर देखते हैं, ये आपकी आंखों के लिए मुजर है। इसी तरह योगा वर्जिश इलाज के लिए या अपने जिस्म को तंदुरुस्त रखने की नीयत से की जाए तो ठीक है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कोई काम नहीं है तो योगा कर रहा हूँ, वक्त को ज़ाया करने के ज़ुमरे में आ जाएगा। अच्छा, योगा वर्जिश करने वाला योगा में महारत हासिल करने और इसके ज़रिए खिलाफ आदत अफ़ाल पर कादिर होने के दर पे ना हो, कि ये मसला भी ना हो ना कि आप उनके रास्ते पर चल रहे हैं, आप इस्लाम के तरीक़े को छोड़ के किसी और गैर तरीक़े से एक मुकाम हासिल करने के पीछे पड़े हुए हैं। इसी तरह महज योगा वर्जिश में बेहतरी और तरक्की के हुसूल के लिए हलाल चीज़ों से परहेज़ करना, एक तो होता है ना इलाज के तौर पे परहेज़ करना, सेहतमंदी के लिए परहेज़ करना, एक योगी बनने के लिए परहेज़ करना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो योगी बनने के लिए हलाल चीज़ों को छोड़ देना ये भी जायज़ नहीं है। इसी तरह योगा वर्जिश इस कदर इन्हिमाक हो जाना कि फ़राइज़ भी छूट रहे हैं, वाजिबात भी छूट रहे हैं, इसकी भी गुंजाइश नहीं है। तो बहरहाल मैंने मोटी मोटी बातें आपको बता दी हैं कि योगा के ख़िलाफ़ नहीं है इस्लाम, लेकिन योगा की बाज़ चीज़ों के ख़िलाफ़ है, जिनके ख़िलाफ़ है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अगर इस तरह का कोई मामला नहीं है तो योगा सिर्फ़ वर्जिश के लिए करना या सेहतमंदी के लिए, तंदुरुस्ती के लिए करना या बतौर इलाज करना ये जायज़ है, लेकिन शर्त ये है कि उनमें उन चीज़ों से बचा जाए जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं। उम्मीद करता हूँ कि इससे मसला वाज़े हो गया होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।